नंबर 10 सेकंड ईयर काले लाइट के शॉर्ट क्वेश्चंस। पहला शॉर्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ काले लाइट। अब काले लाइट्स की जो है वो तीन टाइप्स हैं, प्राइमरी काले लाइट, सेकेंडरी काले लाइट और टर्शियरी काले लाइट। प्राइमरी काले लाइट ऐसे काले लाइट हैं जिसमें कार्बन जिसके साथ हैलोजन जुड़ा हुआ है, यहाँ कार्बन जिसके साथ हैलोजन जुड़ा हुआ है, ये कार्बन डायरेक्टली एक से जुड़ा हो या ये कार्बन आगे किसी कार्बन से ना जुड़ा हो उसको हम बोलते हैं प्राइमरी काले लाइट। द टाइप ऑफ काले लाइट इन विच हैलोजन एटम इज अटैच टू दैट कार्बन विच इज डायरेक्टली अटैच विद वन आर नो कार्बन इज कॉल्ड प्राइमरी काले लाइट। दूसरा जी सेकेंडरी काले लाइट, सेकेंडरी काले लाइट में ये कार्बन जिसके साथ क्लोरीन लगा हुआ है ये डायरेक्टली दो कार्बन से जुड़ा हो उसको हम बोलते हैं सेकेंडरी काले लाइट। द टाइप ऑफ काले लाइट इन विच हैलोजन एटम इज अटैच टू दैट कार्बन विच इज डायरेक्टली अटैच विद टू कार्बन इज कॉल्ड सेकेंडरी काले लाइट। टर्शियरी में क्या है, कार्बन जिसके साथ ये हैलोजन जुड़ा हुआ है, ये कार्बन है जिसके साथ ये हैलोजन जुड़ा है, ये डायरेक्टली तीन कार्बन से जुड़ा हो उसको हम बोलते हैं टर्शियरी काले लाइट। ये टर्शियरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड इसके एग्जांपल है, नीचे ये कॉमन नेम है 2-क्लोरो-2-मिथाइल-ब्रोपेन इसका आईयूपैक नेम है। टाइप ऑफ काले लाइट नीचे हैलोजन एटम इज अटैच टू दैट कार्बन विच इज डायरेक्टली अटैच विद थ्री कार्बन इज कॉल्ड टर्शियरी काले लाइट। ये अल्काइल लाइट के टर्म में पीछे हम पढ़ चुके हैं, वैसे दी मोनो हेलो अल्केन इज कॉल्ड अल्काइल हैलाइड। मोनो हेलो अल्केन को हम बोलते हैं अल्काइल हैलाइड, मोनो हेलो अल्केन्स आर कॉल्ड अल्काइल हैलाइड। इनका जनरल फार्मूला आर एक्स है। ये इसकी आगे एग्जांपल्स हैं, क्लोरोमीथेन है या मिथाइल क्लोराइड है और क्लोरोइथेन है। व्हाट इज द बेस्ट मेथड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड। अल्काइल हैलाइड की मेथड का बेस्ट प्रिपरेशन ये है कि आप इसको अल्कोहल को थाइनाइल क्लोराइड से रिएक्शन करवा दें, OH उतर के इसकी जगह बेटा Cl लग जाएगा। अब जब ओ एच की जगह सी एल लगेगा तो यहाँ एक सी एल और यहाँ ओ एच बच गया था, ये एच और सी एल और एस ओ टू ये दोनों गैसेज हैं यहाँ से निकल जाती हैं, इस वजह से आपके पास प्योर अल्काइल हैलाइड बन जाता है। तो ये इसके मेथड है कि जब एथानोल को आप ट्रीट करते हैं थाइनाइल क्लोराइड के साथ पायरीडीन कैटलिस्ट की मौजूदगी में, तो ये आपके पास जो है वो प्योर अल्काइल हैलाइड प्रोड्यूस होता है, यानी कि इथाइल क्लोराइड बनता है, बिकॉज बोथ द गैसेज जो है वो रिएक्शन मिक्सचर से एवेपोरेट कर जाती हैं। और द बेस्ट मेथड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल आयोडाइड की बेस्ट मेथड ये है, इसको हम हैलाइड एक्सचेंज मेथड कहते हैं, कि आप अल्काइल आयोडाइड को डायरेक्ट तैयार नहीं कर सकते, उसकी वजह ये है कि अल्काइल आयोडाइड की रिएक्टिविटी बहुत ज़्यादा होती है, तो पिछले वाले मेथड से आप तैयार नहीं कर सकते। अल्काइल क्लोराइड जो है आप पहले बनाएंगे कोई भी अल्काइल क्लोराइड या ब्रोमाइड, उसका सोडियम आयोडाइड से रिएक्शन करवाएंगे, सी एल उतर के उसकी जगह आई लग जाएगा, तो बाकी एन ए सी एल और एन ए बी आर जो है वो हमारे पास बन जाएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, व्हाई आर आई इज मोर रिएक्टिव देन आर एफ अल्काइल, व्हाई अल्काइल आयोडाइड आर मोर रिएक्टिव देन अल्काइल फ्लोराइड। ये ऑर्डर की फॉर्म में भी दे सकता है कि अल्काइल फ्लोराइड जो है उसका ऑर्डर सबसे कम है, आयोडाइड का सबसे ज़्यादा है, तो उसकी रीजन ये है कि जो एक्सपेरिमेंटली डिटर्मन एक्सपेरिमेंटली एस्टेब्लिश फैक्ट है वो ये है कि बॉन्ड एनर्जी पर डिपेंड करता है, जिसकी जितनी ज़्यादा बॉन्ड एनर्जी थी, ये सी एफ का बॉन्ड एनर्जी सबसे ज़्यादा है 467 किलो जोल पर मोल, CCl की बॉन्ड एनर्जी जो है 346 है, CBr की 290 है और Cl की 228 है। अब जिसकी जितनी ज़्यादा बॉन्ड एनर्जी है उसको उतना ब्रेक करना मुश्किल है, जितना मुश्किल होगा इसका मतलब उसकी रिएक्टिविटी उतनी कम होगी। रिएक्टिविटी ऑफ अल्काइल हैलाइड्स डिपेंड्स अपॉन बॉन्ड एनर्जीज, स्ट्रॉन्गर द बॉन्ड लेसर इज इट्स रिएक्टिविटी, वीकर द बॉन्ड ग्रेटर इज इट्स रिएक्टिविटी। अल्काइल हैलाइड इज मोर रिएक्टिव बिकॉज ऑफ इट्स वीक बॉन्ड एंड इट्स बॉन्ड एनर्जी इज 228 किलो जूल पर मोल। जो फैक्टर्स को इफेक्ट करते हैं वो दो फैक्टर्स हैं जो इसकी रिएक्टिविटी को अफेक्ट करते हैं, ये बॉन्ड पोलैरिटी और बॉन्ड एनर्जी। अगर हम बॉन्ड पोलैरिटी के लिहाज से देखें तो बॉन्ड पोलैरिटी में ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जो है डिपेंड करता है। अब बॉन्ड पोलैरिटी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस के लिहाज से अगर देखें तो सबसे ज्यादा जो है वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस आर एफ में है, फिर आर सी एल में, फिर आर बी आर में, फिर आर आई में है। तो इसके अकॉर्डिंग जो है वो सबसे ज्यादा जो रिएक्टिविटी होनी चाहिए वो अल्काइल फ्लोराइड की होनी चाहिए, जबकि व्हाट व्हाट आर द फैक्टर्स दैट अफेक्ट द रिएक्टिविटी ऑफ अल्काइल हैलाइड। तो दो फैक्टर हैं, बॉन्ड पोलैरिटी और बॉन्ड एनर्जी। बॉन्ड पोलैरिटी के लिहाज से देखा जाए तो बॉन्ड पोलैरिटी डिपेंड करता है डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के लिहाज से देखा जाए तो फ्लोराइड की सबसे ज्यादा रिएक्टिविटी होगी, क्योंकि उसके अंदर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस सबसे ज्यादा है, अल्काइल आयोडाइड में सबसे जो है वो कम है।
लेकिन ये एक एक्सपेरिमेंटली एस्टेब्लिश फैक्ट नहीं है. एक्सपेरिमेंटली फैक्ट एस्टेब्लिश फैक्ट वही बॉन्ड एनर्जी वाला है कि बॉन्ड एनर्जी सबसे कम जो है वो अल्काइल आयोडाइड की है और सबसे ज़्यादा अल्काइल फ्लोराइड की है. इस वजह से बॉन्ड एनर्जी के लिहाज से सबसे कम रिएक्टिविटी जो है, क्योंकि ये एक्सपेरिमेंटली डिटर्मन जो है वो चीज़ है. इस वजह से अल्काइल फ्लोराइड की रिएक्टिविटी सबसे कम है और अल्काइल आयोडाइड की सबसे ज़्यादा है. व्हाट इज लिविंग ग्रुप? लिविंग ग्रुप क्या है? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के दौरान न्यूक्लियोफाइल जब इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन पे अटैक करता है और यहाँ से लिविंग ग्रुप निकल जाता है, तो दिस वन इज लिविंग ग्रुप. ये लिविंग ग्रुप क्या है? इसके अंदर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है या इसके अंदर जो है ये नेगेटिवली चार्ज है. जो डिपॉजिट करता है, जो निकल जाता है जब कोई भी न्यूक्लियोफाइल किसी इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन पे अटैक करता है. अ स्पीशीज व्हिच डिपॉजिट अवे विद इट्स लोन पेयर ऑफ ड्यूरिंग न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इज कॉल्ड लिविंग ग्रुप. ये अल्काइल ब्रोमा, ये मैंने क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन लिखा है, और आयोडाइड जो है इट्स द बेस्ट लिविंग ग्रुप सबस्ट्रेट. जिस स्पीशी के ऊपर न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है उसको हम बोलते हैं सबस्ट्रेट. स्पीशी अपॉन विच न्यूक्लियोफाइल अटैक्स इज कॉल्ड सबस्ट्रेट. इसकी एग्जांपल है मिथाइल क्लोराइड, इथाइल क्लोराइड या क्लोरोमीथेन, क्लोरोइथेन. व्हाट इज वुड सिंथेसिस? ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है. इसको ऐसे भी पूछा जा सकता है कि भाई हो इथाइल क्लोराइड या इथाइल ब्रोमाइड आर कन्वर्टेड इंटू एन ब्यूटेन या प्रिपेयर एन ब्यूटेन फ्रॉम अल्काइल हैलाइड. तो ये बेसिकली क्या है, आप दो अल्काइल हैलाइड के मॉलिक्यूल ये देखें, दोनों अल्काइल हैलाइड के मॉलिक्यूल हैं, एक इथाइल क्लोराइड है या इथाइल ब्रोमाइड है. दोनों का जो है रिएक्शन करवाएं 2NaCl के साथ, यानी कि 2 के साथ, 2 सोडियम के साथ. दो अल्काइल हैलाइड दो सोडियम से जब मिलते हैं तो इसके नतीजे में आपके पास ये देखें, ये 2NaCl यहाँ से निकल गया, 2NaCl यहाँ से निकल गया, बाकी सबको जोड़ दोगे तो ब्यूटेन बनेगा. इट इज यूज फॉर द प्रेपरेशन ऑफ हायर सिमेट्रिकल कैन सच एज इथेन, प्रोब्यूटेन एक्सेट्रा. व्हाट इज टेल? गिव इट्स इंपॉर्टेंस. टेल क्या है कि आप इथाइल क्लोराइड या इथाइल ब्रोमाइड का लेड सोडियम लेड अलॉय से रिएक्शन करवा दो. 4 सोडियम है, 4 इथाइल क्लोराइड के मॉलिक्यूल हैं, 4NaCl बन जाएगा और 7 टेट्रा मिथाइल लेड या टेट्रा इथाइल लेड. अगर आप यहाँ मिथाइल क्लोराइड यूज करोगे तो टेट्रा मिथाइल लेड बनेगा. तो टेट्रा मिथाइल लेड या टेट्रा इथाइल लेड जो है एफिशिएंट एंटीनॉकिंग एजेंट हैं जो ऑक्टेन नंबर को इम्प्रूव करते हैं. अमोनोलाइसिस क्या है? या हाउ मिथाइल इथाइल ब्रोमाइड इज कन्वर्टेड इंटू क्वार्टनरी अमीन. तो इसमें यह है कि आप इथाइल ब्रोमाइड का अमोनिया से रिएक्शन करवाएं, ये Br और ये हाइड्रोजन यहाँ से निकल जाएगा HBr, बाकी आपके पास बन जाएगा C2H5NH2. फिर इसी अल्काइल हैलाइड को हम बार बार ये रिपीट करेंगे, इसका जो ये इथाइल अमीन है ये इधर आ जाएगा, इसका ये एक हाइड्रोजन और ये इसका Br HBr निकल गया, बाकी यहाँ बच गया NH और दो इथाइल है CH3CH2 एक ये और CH3CH2 एक ये, दो इथाइल डाई अमीन यानी कि सेकेंडरी अमीन बन गया. अब ये जो एंड है ये इसका अगले वाले में फिर आ जाएगा और ये बाकी वैसे ही रिपीट होता जा रहा है. ये Br और ये HBr यहाँ से निकल गया, यहाँ रह गया था N, एक एन था, दो इसके साथ ऑलरेडी मिथाइल इथाइल लगे हुए हैं, दो एक ये हो जाएगा 3, यानी कि CH3CH2 CH3CH2 ट्राई इथाइल अमीन. ये ट्राई इथाइल अमीन यहाँ नेक्स्ट वाले में आ जाएगा और इसी तरह जो है ये CH3CH2 थ्राइस था, ये एक और जमा हो गया, तो ये आपके पास क्वार्टनरी इथाइल अमोनियम जो है, यानी क्वार्टनरी इथाइल अमोनियम आयन जो है वो आपके पास बन जाता है, या क्वार्टनरी अमीन हम इसको बोलते हैं. नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन है व्हाट इज बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन, या इसको ये E2B रिएक्शन बोलते हैं, बाई मॉलिकुलर एलिमिनेशन रिएक्शन. ऐसे रिएक्शन जिसके अंदर बोथ द एटम, यानी कि ये जो हेलोजन एटम है और ये जो यहाँ से हाइड्रोजन है, दोनों एक ही वक्त में जो है रिमूव हो. ये बीटा कार्बन से हाइड्रोजन निकलती है, इसको हम बोलते हैं बीटा एलिमिनेशन. दोज रिएक्शन विच बोथ द एटम आर ग्रुप लीव साइमल्टेनियसली या रिमूव साइमल्टेनियसली इज कॉल्ड बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन. इसको बीटा इस वजह से कहते हैं कि ये अल्फा कार्बन के साथ जो है वो हेलोजन लगा हुआ है, बीटा कार्बन से आप हाइड्रोजन उतारते हैं, तो ये अल्कोहलिक OH जो है उसके नतीजे में हमारे पास KCl वाटर और इथीन बनता है, यानी कि KCl इसका हाइड्रोजन ये OH और बाकी आपके पास इथीन बन जाती है. व्हाई ड्राई ईथर इज नेसेसरी फॉर द प्रेपरेशन ऑफ ग्रिग्नर्ड रिएजेंट, ये वाला सवाल है. या हाउ ग्रिग्नर्ड रिएजेंट इज रिएक्टिव क्लास ऑफ कंपाउंड, इसको जस्टिफाई करें. तो ये बेसिकली ग्रिग्नर्ड एजेंट क्या है? अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड इज कॉल्ड ग्रिग्नर्ड एजेंट. ये ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड की जो है वो एक टाइप है जिसमें अल्काइल हैलाइड को जब मैग्नीशियम के साथ रिएक्ट करवाया जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर तो RMGX बनता है. ये हाईली रिएक्टिव क्लास ऑफ कंपाउंड है क्योंकि ड्यू टू द CMG बॉन्ड, यानी कि ये
अल्काइल और एमजी का बॉन्ड है, मैग्नीशियम इज इलेक्ट्रो पॉजिटिव और कार्बन इज इलेक्ट्रो नेगेटिव। जब इवन ग्रिगना डिजन का आपको ड्राई थ्री इसलिए चाहिए होता है कि ये जो ग्रिगना डिजन आपके पास बनता है ये वाटर के साथ रिएक्ट कर जाता है और इसके नतीजे में आपके पास इथेन बन जाती है। ये हाईली रिएक्टिव है ड्यू टू सी एम जी बॉन्ड विच इज हाईली पोलर। और ग्रिगना डिजन इज कन्वर्टेड इन टू प्राइमरी अल्कोहल एंड प्रोपेन ऑक्साइड। तो उसको आप फॉर्मेल्डिहाइड के साथ रिएक्ट करवा दें, यानी कि ये कार्बोनाइल है, इस कार्बोनाइल की दोनों तरफ जो है वो हाइड्रोजन लगा दो तो ये फॉर्मेल्डिहाइड है या मैथनल है। मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड का रिएक्शन करा है, ये CH2 नेगेटिव है, ये इसके साथ जो है कार्बन के ऊपर अटैक करेगा। तो इसके जगह ये देखें इस कार्बन के दोनों तरफ हाइड्रोजन थे, अब यहाँ CH3 और CH2 आ गया, और दूसरी तरफ OMGBr। इसका हाइड्रोलिसिस करवाते हैं वाटर के साथ इन द प्रेजेंस एसिड हाइड्रोलिसिस इन द प्रेजेंस ऑफ प्रोटॉन। तो ये ओ ऑक्सीजन जो नेगेटिव है यहाँ से प्रोटॉन लेगा तो ये बन जाएगा OH। सो इट वुड बिकम द प्राइमरी एल्कोहल बन गया या 1-प्रोपेनोल बन गया। कार्बन जिससे OH लगा वो डायरेक्टली एक कार्बन से जुड़ा हुआ है। देखो अगर यहीं पे आप मैथनल या फॉर्मेल्डिहाइड की जगह एसिटाल्डिहाइड यानी यहाँ CH3 लगा दो तो ये सेकेंडरी अल्कोहल बन जाएगा। आप दोनों तरफ CH3 लगा दो तो ये एसीटोन बन जाएगा, यानी कि अगर आप एक CH3 लगाओगे तो सेकेंडरी अल्कोहल, अगर दोनों तरफ CH3 लगा दोगे तो आपके पास जो है वो टर्शियरी अल्कोहल बन जाएगा। नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन है प्रोपेनोइक एसिड वाला। नेगेटिव कार्बन के साथ ये कार्बन डाइऑक्साइड के साथ इसका रिएक्शन है, ये नेगेटिव इस कार्बन के साथ आके जुड़ गया CH2CH3 की सूरत में। दूसरी तरफ OMGBr इसका हाइड्रोलिसिस करा दो, ये नेगेटिव यहाँ से हाइड्रोजन लेगा, ये बन गया प्रोपेनोइक एसिड या कार्बोक्सिलिक एसिड। और Mg के साथ Br और दूसरी तरफ OH लग जाएगा, ये आपके पास एक एडिक्ट प्रोडक्ट बन गया। हाउ इथाइल ब्रोमाइड इज कन्वर्टेड इनटू इथाइल अल्कोहल एंड इथेन। इथाइल अल्कोहल एंड इथेन, अगर इथाइल ब्रोमाइड की जगह आ जाए, इथाइल ब्रोमाइड इज कन्वर्टेड इनटू इथाइल अल्कोहल की जगह इथेन की जगह इथीन आ जाए तो हम बीटा एलिमिनेशन वाली बेटा एग्जांपल है, वो बीटा एलिमिनेशन में जवाब कर लेंगे। इथेन का इथेन की जगह अगर आ जाए तो ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की एग्जांपल है, बीआर उतरेगा इसकी जगह OH लग जाएगा केबीआर, ये दिस इज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। ये जिंक की मौजूदगी में आप इसकी रिडक्शन करवाते हैं ZnCl2 और बाकी CH3CH2 के साथ एक H आ जाता है। डिफरेंशिएट बिटवीन न्यूक्लियोफाइल एंड इलेक्ट्रोफाइल। न्यूक्लियोफाइल का मतलब होता है लविंग, इट इज न्यूक्लियस लविंग स्पीशी। न्यूक्लियोफाइल ऐसी स्पीशी होती है जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर सकती है कोवेलेंट बॉन्ड बनाने के लिए। ये नेगेटिवली चार्ज या न्यूट्रल होते हैं, हैविंग लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, दे हैव लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, दे आर लिवस बेसिस। ये NH3 है, वाटर है, Cl नेगेटिव इसकी एग्जाम्पल है। इलेक्ट्रोफाइल क्या है, ये इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीशी है, ये ऐसी स्पीशी है विच एक्सेप्ट पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म कोवेलेंट बॉन्ड, मे बी पॉजिटिवली चार्ज आर न्यूट्रल, इनका दे हैव इनकम्प्लीट ऑक्टेट, दे आर लिवस बेस लिवस एसिड सॉरी। इलेक्ट्रोफाइल क्या है, इट इज इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीशी, द स्पीशी विच कैन एक्सेप्ट पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म कोवेलेंट बॉन्ड, इट मे बी नेट पॉजिटिव।